Isu, hi! Hi! Hey guys, welcome back to my another new vlog video. तो कल वीडियो नहीं आ पाया था उसके लिए सॉरी, क्योंकि था आवाज़ था, दिक्कत हो गया था इस वजह से. तो अभी मैं जा रहा हूँ कैम DSLR कैमरा लाने के लिए, क्योंकि था अभी के बाद था DSLR कैमरा से था ब्लॉग कर लूँगा, फिर कल जाऊँगा. तो कल जाऊँगा फ़ोटोशूट के लिए, तो उसके लिए फिर कैमरा भी वापस करना पड़ेगा कल सुबह 10-11 बजे. तो अभी जा रहा हूँ कैमरा लेने के लिए. तो जा कैमरा आज देख भैया है राजेश भैया. तो अभी मैं आया हूँ घर पे नाश्ता करने के लिए. तो मम्मी आज बनाई है इडली सांभर, तो अभी इडली सांभर खाऊंगा मैं. तो ये मम्मी का इडली सांभर, इडली सांभर और ये चटनी है. तो हे गाइस, तो ये क्या, ये व्यू आप DSLR कैमरा D3500 से देख रहे हैं. तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि यार कैमरा के एंगल सही आ रहा है या मोबाइल का कैमरा सही रहता है, कमेंट में ज़रूर बोलें. तो आप कैमरा का सेटअप के बारे में मैं बता देता हूँ. कैमरा निकॉन का D3500 है और लेंस 50mm है, जो मैं पटना से खरीद के लाया था 1 ईयर पहले. तो ये मुझे अप्रॉक्स 13,000 पड़ा था उस टाइम में. तो अभी का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अभी कितने में पड़ेगा. तो मेरा कैमरा D3300 था, जिसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है. जो मैं पटना भी रहा था, तो वो बोला कि यहाँ भी कोई ऐसा कोई सर्विस सेंटर नहीं है, तो इसको कोलकाता भेजना पड़ेगा. तो मेरा कैमरा अभी कोलकाता में है. वहाँ से कॉल आया था आज का नाम, तो 1-2 और लगे पटना आ जाने में. तो उसके बाद मेरा खुद का कैमरा आ जाएगा. इसके बाद मैं खुद के कैमरा से ड्राइंग करना स्टार्ट करूँगा. अगर कभी आपको शायद अच्छा लग रहा हो तो लाइक वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा. तो मैं अलग अलग एंगल से ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छा आ जाए, अच्छा सीखो. तो ये एंगल मुझे हाँ बेटर लगा और पिछले एंगल के तुलना में. तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कैमरा D3500 है, जो मेरा नहीं है. और ये लेंस 50mm का है. मेरा कैमरा में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से मैं उस कैमरा को सर्विस सेंटर में भिजवाया हूँ. कुछ एक दो वीक के बाद आ जाएगा मेरे पास, तो मैं उस कैमरा से शूट करूँगा वीडियो. क्योंकि इसमें माइक नहीं लगता अलग से, और उसमें मेरे वाले में माइक अलग से लग जाता है. तो उसमें इस कैमरे के तो कंपेयर में उसमें अच्छा साउंड क्वालिटी आएगा. तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैमरा से ब्लॉगिंग करना सही रहेगा या मोबाइल से सही रहेगा ब्लॉगिंग करना. कमेंट में ज़रूर बताइएगा. तो अभी मैं घर से नाश्ता करके आया था. मम्मी इडली सांभर बनाई थी बहुत ज़्यादा देर की. तो वहाँ से आया, फिर दुकान पे आया. तो पापा कुछ कुछ बोले कि अच्छे से नहीं हो पा रहा हूँ. हाँ, शायद मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें फ्लिप वाला स्क्रीन तो है नहीं. तो डर वो वीडियो में था, उसके लिए सॉरी. और साउंड के लिए भी सॉरी बोलना चाहूँगा. ये साउंड का इश्यू तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, बट ब्लर वाला था. एक लड़का को बोलना पड़ेगा कि ना जब मैं वीडियो शूट करूँ तो वो फोकस करता है मैं पे. तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे दुकान पे. तो उसके बाद कभी देखा तो ये मेरे मोबाइल का है. कभी ये मोबाइल है मेरा ROG Asus ROG 3.
लड़के है मुझे बहुत ज्यादा तंग करती है, ये दोनों बहुत ज्यादा तंग करती। ये है मौसम और ये है वर्षा, ये दोनों मुझे बहुत ज्यादा ही तंग करती है। तो बोलिए ये दोनों को क्या किया जाए। साढ़े छ, ये मेरे साथ है मौसम जो भाग रही है, ये है वर्षा, घर के बगल रहती है, बहुत ज्यादा ही बदमाश है। ऋषु हाय 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 कैमरा वाला, हाय हाय कैमरा वाला, बहुत खराब है। हे गाइस, तो अभी शाम के बज गए 7 और मैं आया हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग लेने के लिए सोम भैया के दुकान में। तो ये दुकान मेरे दुकान के जस्ट सामने है, तो स्ट्रिंग ले लिया हूँ। ठंडा है, आज भी बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। तो हे गाइस, तो अभी रात के बज रहे हैं 11:15, तो मैं अभी खाना खा लिया हूँ। तो अब मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, और वीडियो में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि क्या वीडियो कैसा अच्छा लगा या बुरा लगा। गुड नाइट फ्रेंड।